हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, पिछली क्लास में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर को एंड किया था. आपको याद होगा उसके अंदर हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड का डिस्कशन किया था. कैपिटलाइजेशन में भी दो मेथड हुआ करते थे आपका, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो ये बातें हमने पिछली क्लास तक डिस्कस की हुई हैं. देखो, वो टॉपिक जो पिछली क्लास में एंड हुआ था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ना ख़त्म अभी हो सकता है. वो अभी जितने आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आज का चैप्टर, फिर अगला जो चैप्टर होगा, फिर अगला चैप्टर होगा, मतलब पार्टनरशिप का चैप्टर जब तक हमारे साथ चलेगा तब तक वो कॉन्सेप्ट हमारे साथ चलेगा. तो आइए, जरा आज हम ज़्यादा टाइम बात किए बगैर अपने थर्ड चैप्टर में एंट्री करते हैं. और थर्ड चैप्टर का नाम है मेरे बच्चे यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग. लिखिए मेरे साथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कर दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कई सारे पार्टनर्स हैं यहाँ पे. ये हमारे चैप्टर का नाम है. ये चैप्टर अपने में बहुत सिंपल चैप्टर है, पहले मैं बता दूं आपको. कोई बाहर वाला कहे कि यार ये तो हमें बातें समझ में आती ही नहीं है, तो आप उनकी बात पर ध्यान मत देना. बहुत सिंपल चैप्टर है. इस चैप्टर की एक और ख़ास बात है, इसमें इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे जो कॉन्सेप्ट आगे आने वाले एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, या कहीं भी कंपनी अकाउंट्स आएगा, पता नहीं क्या क्या भी पढ़ेंगे. 12th क्लास में भी आप हैं, फिर आप बड़े होकर बीकॉम करेंगे, सीए करेंगे, सीएमए करेंगे, सीएस करेंगे, एमबीए करना, सब जगह वो कॉन्सेप्ट यूज आपका होगा. तो आप जरा आज हम शुरू करते हैं इसके अंदर में. लिखिए मेरे साथ पहले, हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर में. टॉपिक्स टू बी कवर्ड. हम इसमें क्या क्या पढ़ना है जरा वो एक बार देख लें. लिखो, पहला आपका जो टॉपिक इसमें है, पहला टॉपिक आपका वो है sacrificing ratio and new ratio. पहले तो हमें ये पढ़ना है यहाँ पे. फिर मेरे बच्चे यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेकेंड में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. वो जो आपका पहले पिछले चैप्टर में हमने वैल्यूएशन पढ़ा था कि गुडविल को हम वैल्यू कैसे करते हैं, अब हम उनके बारे में सीखेंगे कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसका रिकॉर्डिंग कैसे आपका होता है. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपका. फिर थर्ड पार्ट में आप यहाँ लिखिए मेरे साथ, थर्ड पार्ट में ये आएगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स लॉसेज. एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट में आपका होगा मेरे बच्चे अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट. यहीं पे कॉमा दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. फिर ये क्या है? कुछ नहीं है, जितना देखने में नया लग रहा है इतना ही बकवास टॉपिक है. बहुत सिंपल, बस मेरी बातें आप सुनते चलना जो मैं बात आपसे डिस्कस करूंगा. देखो आज ना, पहले मैं क्या करता हूँ, इन पे ज़्यादा फोकस किए बगैर पहले इस टॉपिक को उठाता हूँ. तो आप एक काम करेंगे, आप मेरे साथ यहाँ पे आप चाहो तो नया पेज ले लो. इस पेज को छोड़ दो. पेज बर्बाद हो रहा, होने दो, कोई बात नहीं. आप नए पेज पे आ जाओ और उस नए पेज पे लिखिए मेरे साथ यहाँ पे हेडिंग पहले आपका कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग एंड न्यू रेशियो. लिखो ना, नया पेज लेंगे, इस पेज को आप छोड़ दो, बर्बाद होता है, हो जाने दो. हमारे पैसे थोड़े लगे, वो तो मम्मी पापा के पैसे लगे हैं,
तो कौन टेंशन करेगा, जितनी मस्ती करनी है जिंदगी में वो तो कम से कम कर लें, छोड़ दो इस पेज को और आप अगले पेज पे आप आइए, अगले पेज पे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। सर ये क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लिखिए एग्जाम्पल नंबर वन आपका। एग्जाम्पल नंबर वन कहता है कि ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स, एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें ए बी सी तीन पार्टनर्स थे। कहता कि शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 1:1:1। मेरे बच्चे 1:1:1 का मतलब हो गया, दैट इज लिख लो ब्रैकेट में इक्वली। अगर मान लो मैं इक्वली शेयर करता हूं और अगर दो पार्टनर है, एक मैं और एक आप, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। अगर हम तीन पार्टनर्स हैं और कहते हैं कि रेशियो इक्वली, तो इसका मतलब क्या, 1:1:1 आपका। इसका मतलब होता है अगर तीन पार्टनर हैं तो हम जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको तीन टुकड़े में डिवाइड करेंगे, एक टुकड़ा आपका, एक मेरा, एक उसका, तीन टुकड़े खत्म हो गए। तो कहता है कि भैया ये पार्टनर्स थे और इनका रेशियो ऐसे चला करता था। फिर कहता है यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद आगे लिखना, ऑन 1 जनवरी 2018, डेट कुछ भी हो सकता, मैं ऐसे लिख रहा हूं, कहता कि दे डिसाइडेड, अब वो डिसाइड करते हैं कि दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो कहता है इन रेशियो ऑफ ये कहता है आपका 2:2:1, ये नया रेशियो कहता है कि आपका। सर ऐसा क्यों होता है बताऊंगा, लिख दो पहले यहाँ पे। कहता है कि कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। सर समझाओ ना, अब समझाऊंगा, लिख लो पहले आप यहाँ पे, और याद रखना अभी जब तक हमारा टॉपिक चलेगा आप कुछ अलग अलग से बातें नहीं सोचेंगे कि सर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, वो सारी बातें मेरे दिमाग में है मेरे बच्चे, मेरा दिमाग आपके दिमाग से कनेक्टेड है, आप बात मानो इस बात को, जो दिमाग में आपके आ सकता हो मेरे दिमाग में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो बस टॉपिक को एंड होने का वेट करना, पूरा टॉपिक जब एंड हो जाए तब आप देखना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, है ना। फिर कोई दिक्कत होगी तो मैं हूँ ना, मुझे फ़ोन कर लेना। इसका मतलब सॉल्यूशन में एक डायग्राम से आपको बताना चाहता हूँ। देखो पहले इस डायग्राम को समझो, ये डायग्राम आपके लिए है, एग्जाम में ये डायग्राम आपको नहीं बनाना, एग्जाम में नहीं बनाना। अब देखो पहले क्या होता था, मान लो ये हमारा टोटल प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है, टोटल प्रॉफिट, मान लो ये कुछ भी एक अमाउंट है या कुछ एक रुपया मान लो, कुछ भी मान लो, ये टोटल हमने एक साल में प्रॉफिट जो कमाया वो है। मेरे बच्चे इस प्रॉफिट को हम पहले इक्वली डिवाइड करते थे, अगर तीन पार्टनर है तो तीन इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बट कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, मान लो ये तीन इक्वल पार्ट हो गए। और जरा देखो ये जो हिस्सा है ना बच्चे, ये ए को मिला करता था, ये हिस्सा बी को मिला करता था और ये हिस्सा सी को, मतलब तीनों को इक्वल। अगर मान लो ये प्रॉफिट आपका 15 रुपये का है, कुछ भी मान लो, अगर ये 15 रुपीज़ है तो 15 में 5 आपको 5 आपको 5 आपको, अगर ये मान लो 30 रुपीज़ है तो इक्वली 13 10 10 होता है ना, कोई चीज़ अगर मान लो हमें इक्वली डिवाइड करना है, आपके पापा मम्मी ने क्या किया, आपको सपोज कि 100 रुपये दे दिए और बोले कि बेटा आप ये 100 रुपये दोनों भाई बहन में इक्वली डिवाइड कर लो, तो अगर हम दो भाई बहन हैं तो 100 रुपये इक्वली क्या 50-50 रुपये हो जाएगा। अगर मान लो हम चार भाई बहन हैं, मान लो एक बात कहता हूँ, चार भाई बहन हैं तो 100 रुपये में क्या 25 25 25, यही काम करते हो ना, ये तो घर में भी होता है। तो मेरे बच्चे अभी क्या होता था कि जितना भी प्रॉफिट हम कमाते थे उसको तीनों आपस में इक्वली डिवाइड करते थे, रेशियो 1:1:1 आपका ये होता था। अब ये कहते हैं कि भैया फ्यूचर में, मतलब आगे आने वाले समय में हम प्रॉफिट इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे। सर ऐसा क्यों होता है,
बहुत रीजन है बच्चे, बहुत रीजन है। मान लो पहले शायद ऐसा होता होगा कि तीनों का एफर्ट, मेरा आपका और इसका, तीनों का एफर्ट बिजनेस में इक्वल लगता था, तो जो भी प्रॉफिट आता था हम इक्वली डिवाइड करते थे। आज हमें लगता है कि यार जो ए है और बी है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है एज कंपेयर टू सी, तो इस पार्टनरशिप में आगे डिस्प्यूट्स ना हो। क्योंकि अगर हमें लगेगा ना बच्चे कि हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो कम मेहनत कर रहा है लेकिन ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो फिर झगड़े होएंगे बाद में। पार्टनरशिप का सबसे बड़ा जो डीमेरिट है ना वो है आपका झगड़ा। पता नहीं कब मेरी बात में कौन सी बात खटक जाए और हम लोगों ने डिसाइड किया कि भैया बिजनेस बंद करो, तो बिजनेस बंद करके हम रोड पे भीख मांगने को तैयार तो हो जाते हैं लेकिन पार्टनर्स के साथ काम करने का हम तैयार नहीं होते। ऐसी नौबत आती है, मैं जानता हूं इस बात को, मैंने खुद भी झेला हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे पार्टनरशिप के अंदर में यहां पे जब भी, जैसे मान लो कि अब क्या, पहले क्या था, हम इक्वली आपका काम करते थे, मेहनत तीनों का लगता था, तीनों हम डिवाइड करते थे। अब बाद में क्या हुआ कि नहीं जी दो पार्टनर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तीसरा कम, तो ठीक हम रेशियो भी चेंज करेंगे। और पता अब क्या डिसाइड हुआ, फ्यूचर में कहते हैं कि भैया रेशियो 2:1 होगा। तो मैं इसका मतलब समझा रहा हूं कि जितना प्रॉफिट हम पहले कमाते थे मान लो उतना ही प्रॉफिट हम अभी भी कमाते हैं। लो मैंने प्रॉफिट सेम रखा, प्रॉफिट हमने जितना पहले कमाते थे मान लो उतना ही प्रॉफिट हमें आगे भी मिलेगा, यानी कि यही जो टोटल प्रॉफिट आपका पहले था वो टोटल प्रॉफिट अब हमारा मान लो ये आपका हो गया। तो क्वेश्चन कहता है कि अब रेशियो 2:2:1 होगा, का मतलब होता है जरा बताओ 2+2+1 कितना हो गया, 5। मतलब अब क्या होगा, इस प्रॉफिट को हम 5 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल टुकड़ों में। तो मान लो एक टुकड़ा हो गया ये हमारा, 2 टुकड़ा हो गया ये हमारा, 3 टुकड़ा हो गया हमारा, मतलब प्रॉफिट का हमारा कोई टुकड़ा होगा ये हमारा, चौथा टुकड़ा हो गया। मैं इसको थोड़ा और इधर कर देता हूँ, इक्वल आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा मुझे इक्वल समझ लो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इक्वल डिवीजन नहीं हो पा रहा बट दिमाग में वही है कि इक्वल ही है आपका। चलो 5 टुकड़े हो गए। अब क्या होता है कि जो प्रॉफिट हमारा होगा यानी कि जो प्रॉफिट निकल के आएगा, क्वेश्चन कहता है कि भैया अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट हम 2:2:1 में डिवाइड करेंगे। ये रहा आपका प्रॉफिट मेरे बच्चे 2:2:1 का मतलब कि एक और एक, ये दो टुकड़े। अब ये जो दो टुकड़े हैं ना, ये दो टुकड़े ये किसको मिलेंगे, अब ए को मिलेंगे। ये देखो आपका ये जो दो टुकड़ा होगा, ये दो टुकड़ा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। और ये जो एक टुकड़ा है, क्योंकि टू पार्ट आप लेंगे, टू पार्ट आप, वन ये किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि भैया हम इस तरीके से रेशियो रखेंगे। जरा इस डायग्राम को देख के बताओ, या मैं एक काम करता हूं आपके लिए एक प्रॉफिट का अमाउंट लिख देता हूं। मान लो ये प्रॉफिट आपका रुपीज कितना ले लूं मैं बताओ, 6,000 रुपए है। चलो मैंने 6,000 मान लिया 6,000। तो जरा बताओ 6,000 को अगर हम तीन टुकड़ों में डिवाइड करें तो एक टुकड़ा कितने का बनेगा, 2,000 का। दूसरा टुकड़ा कितने का बनेगा, 2,000 का। तीसरा भी कितना बनेगा, 2,000 का। ये 6,000 का डिवीजन हुआ। अगर मैं इस 6,000 के प्रॉफिट को, अगर इस 6,000 के प्रॉफिट को मैं 5 टुकड़ों में डिवाइड करूं तो बताओ जरा कि 6,000 का अमाउंट अगर मैं 5 यानी कि 5 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो एक पार्ट आपका बनता है 1,200 का। यानी कि मेरे बच्चे ये जो पार्ट हो गया ये 1200 का हो गया, ये पार्ट भी आपका 1200 का हो गया, ये पार्ट भी 1200 का हो गया, ये पार्ट भी 1200 का हो गया, और ये भी 12, मतलब हमने इनको 5, ये देखो 2:1 यानी कि टोटल 5 हो गया, तो 5 पार्ट में डिवाइड किया। और फिर कहा कि इसमें से जो दो टुकड़ा होगा, दो पार्ट होगा, वो ए को मिलेगा। जरा बताओ 1200 और प्लस 1200 कितना हो गया इनका, 2400। बी का चेक करो, 12+12 इनको भी दो टुकड़े मिल रहे, देख रहे हो ना वहां पे, इनका भी कितना हो गया, 2400। और इनका कितना हो जाएगा, सिर्फ एक टुकड़ा यानी कि 1200। तो मेरी बात समझो, मैंने पूरे चैप्टर का जो आपका कॉन्सेप्ट है मैं यहां पे आपके पास रख चुका हूं। अगर ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं तो फिर चैप्टर बहुत सिंपल बनते चला जाएगा। देखो ना यहां पे क्या हुआ, ये देखो जरा मुझे बताओ कि पहले ये हो गया आपका पहले, मतलब जो अभी तक हुआ करता था पास्ट में, पीछे जो होता था, और फ्यूचर में हम कहते हैं कि ऐसे काम करेंगे। मेरे बच्चे अगर हमने प्रॉफिट 6,000 माना, कुछ भी मान सकता हूँ कुछ भी, तो 6,000 में 2:2:2 आपको मिला। ये देखो ए को कितना मिला जी, 24, 24, 12, क्योंकि आपका भी इस रेशियो में हमने डिवाइड किया। तो मुझे ये बताओ, बस जितना मैं पूछ रहा हूँ ये बताओ कि ए को पहले कितना मिलता था,
2000। देख रहे हो आप यहाँ पे, अगर प्रॉफिट हमारा जो भी था अगर मैं सेम कर दूं, 6000 पहले डिस्ट्रीब्यूट करता या 6000 बाद में करता, तो देखो क्या चेंज निकल के आ रहा है। इनको 2000 मिलता था, अब इनको 2400 मिलेगा। तो मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि ए ने, ए जिसको पहले 2000 मिलता था लेकिन प्रॉफिट रेशियो के चेंज होने के चलते अब उनको 2400 मिलेगा, तो बताओ ए जो है मेरे बच्चे, ए जो है वो गेन करेगा फ्यूचर में कि सेक्रीफाइस करेगा। गेन का मतलब फायदा होना और सेक्रीफाइस का मतलब लॉस होना। तो चलो बताओ, जिनको 2000 मिलता था अब उसके जगह पे उनको 2400 मिलेगा, तो ये फ्यूचर में गेन करेंगे कि सेक्रीफाइस करेंगे? सर ये गेन करेंगे, सर ये गेन करेंगे, और गेन कितने से करेंगे? ₹400। देख रहे हो आप, कहाँ 2000 मिलता था अब 24 मिलेगा, तो 400 का गेन हो गया। बी मेरे बच्चे, जो 2000 जिसको मिलता था अब उसको 24 मिल रहा है, तो इनको भी रेशियो के चेंज होने के चलते इनको गेन हो रहा है, और इनका भी गेन कितना निकल के आ रहा है? 400 का। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, इनको 2000 मिलता था अब इनको 1200 मिलेगा। इनको पहले 2000 मिलता था 12, तो बताओ अब रेशियो के चेंज होने के बाद सी को फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? बोलो बोलो। सर इनको तो घाटा हो रहा है। कितने घाटा हो रहा है? ₹800 का। मेरे बच्चे इनको फायदा नहीं, इनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस मतलब इनको लूज करना पड़ेगा, सॉरी सेक्रीफाइस, इनको कुछ लॉस बियर करना पड़ेगा। ये इनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कुछ छोड़ना पड़ रहा है, और वो अमाउंट कितना निकल के आया जी? ₹800 का अमाउंट आपका, 800 का। तो यही रेशियो का खेल है। अगर हमारे बीच में रेशियो चेंज होगा, अगर हमारे बीच में रेशियो चेंज होगा, तो मेरे बच्चे जितना पैसा हमें मिलता था वो पहले हमें इतना इतना, अब अगर ऐसे ऐसे होगा तो पक्का है कि कुछ लोगों को गेन होगा, कुछ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि ए और बी यहाँ पे गेन कर रहे हैं और सी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है ना? इसी को बोलते हैं गेनिंग। अब गेन जो है ना, हम उसको रेशियो में निकालना है, गेनिंग रेशियो। मैंने तो यहाँ अमाउंट में दिखाया, वो कहता है कि रेशियो निकल, निकाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहले इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। ये एग्जाम के लिए नहीं है, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये बात की है मेरे बच्चे। तो आप यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, आप कॉपी कर लो, यहाँ तक आप कॉपी कर लो। सर सर क्या प्रॉफिट हमें हमेशा 6000 मानेंगे? नहीं बच्चे, आप कुछ भी मानो ना, 60000 मान लो, 1 लाख मान लो, 2 लाख मान लो, 1 रुपये मान लो, 5 पैसे मान लो, 1 पैसे मान लो, कुछ भी मानोगे तो आपका क्या होगा? ये अमाउंट आपका चेंज होगा, बट कॉन्सेप्ट यही होगा कि भैया आप 2000 तो अब आपका ये मतलब वो, ये तो मैंने एज्यूम किया, इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे आपका। आप प्लीज़ कॉपी कर लो। सर हो गया, अच्छा जब ये बात लिख लिए ना, ये जब हो गया तो आप एक नोट लिखो मेरे बच्चे, आप ना इसके नीचे में लिखना, आप इसके नीचे में, और मैं वो नोट आपको यहाँ लिखा देता हूँ, मेरे पास जगह की कमी है। लिखिए नोट नंबर 1 यहाँ पे, नोट नंबर 1। एक खास बात देख रहे हो आप यहाँ पे, नजर यहाँ, नजर यहाँ, लिखना बंद, नजर यहाँ, नजर यहाँ, लिखना बंद। ये देखो आप एक खास बात, जरा बताओ, ए ने गेन कितना किया? 400। बी ने गेन कितना किया? 400। तो 4+4 टोटल गेन कितना हो गया? 800। इनका सेक्रीफाइस कितना? 800। मेरे बच्चे ब्रह्मा जी भी अगर जमीन पे आ जाते हैं और कुछ बोलते हैं तो आप उनकी बात मत सुनना, मेरी बात पर विश्वास करना, मैं बिल्कुल गलत नहीं बता रहा। जितना इन दोनों का गेन होगा, मतलब जितना पार्टनर्स गेन करेंगे उतना ही बंदा सेक्रीफाइस करेगा। अगर इस रेशियो के चेंज होने के चलते आप जो जो पार्टनर्स, जो भी पार्टनर गेन करेगा, आप उनके गेन को ऐड करना, तो 400 और 4 कितना हो गया? 800। जितना ये गेन करेंगे उतना ही दूसरा बंदा सेक्रीफाइस करेगा। ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, और ये हमेशा होगा मेरे बच्चे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपके घर में होता है, आपके घर में होता है मेरे बच्चे। ये देखो, ये आप हो और ये आपका मान लो छोटा भाई है, पापा ने बोला कि बेटा 10 रुपए हैं, आप दोनों आपस में डिवाइड कर लो, तो 5-5 रुपए कर लिया। फिर अब पापा ने बोला कि नहीं, ये बड़ा बेटा है तो ये काम करो जी, आप 6 रुपए ले लो और इसको 4 रुपए, क्योंकि रुपए तो 10 रुपए ही है, पहले 10 रुपए को हमने इक्वली डिवाइड किया था। अब पापा कहते कि बड़ा बेटा तो कोई बात नहीं, तुम 6 रुपए ले लो, ये 4 रुपए ले लेगा। तो बताओ पहले आपको कितना मिला था? 5, अब कितना मिलेगा? 6। तो 1 रुपए आपको ज्यादा मिलेगा, अब गेन करोगे। उसी टाइम पे जो छोटा भाई है वो क्या करेगा? 1 रुपए सेक्रीफाइस करेगा। अरे जब रुपए हमारे पास 10 ही हैं
और उस 10 को दो आदमी के बीच में ही डिवाइड करना है। तो अगर कोई चेंज इन रेशियो करूंगा तो एक बंदा जितना गेन करेगा दूसरे को उतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक को जितना मिलेगा दूसरे को उतना छोड़ना पड़ेगा। यही मेरा नोट है मेरे बच्चे, लिख दो यहां पे सम टोटल ऑफ, लिखिए सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, रेशियो का गेन हो चाहे अमाउंट का हो, सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो मस्ट बी, या लिख दो ऑलवेज, विल ऑलवेज बी, विल ऑलवेज, विल ऑलवेज बी इक्वल टू, विल ऑलवेज बी इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कह दो या अमाउंट कह दो ऑफ ऑल पार्टनर्स। समझ लो, गेनिंग रेशियो जो होगा वो हमेशा आपका पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो का टोटल के बराबर ही होगा। मतलब जो गेन करेगा वो गेन क्या, जो सेक्रीफाइस किया सेक्रीफाइस। अब देखो एक झगड़ा आपके दिमाग में उठ रहा है कि सर ये प्रॉफिट 6000 क्यों लिया, कुछ भी ले सकते हैं मेरे बच्चे, कुछ भी। मैंने अभी तो आपको अमाउंट में ये बातें समझाई हैं, अब मैं काम करता हूँ अमाउंट के बजाय मैं ना अब इसको रेशियो में आपको समझाता हूँ ये रेशियो में काम कैसे करेगा। ये लीजिए मैं इसको हटाता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, ये तो मुझे समझाने के लिए आपको करना पड़ा, ये मुझे समझाने के लिए करना पड़ा। अब मैं काम करता हूँ इसको रेशियो में समझाता हूँ, आओ ना देखो अब हम क्या करेंगे रेशियो में। सवाल ये उठता है कि जो मैंने डायग्राम में आपको समझाया था, हमने एज्यूम किया था कि टोटल प्रॉफिट मान लो 6000 है, किया था ना मेरे बच्चे, सर हाँ सर हाँ। तो फिर जरा बताओ अगर मैं रेशियो में करूँ तो फिर वो अमाउंट कितना मानूँ, आप जितना बोलोगे वही मानूंगा। आप बोलो जो 6000 माना था उतना ही मान लूँ, या फिर मैं 10000 मान लूँ, या फिर 20000 मान लूँ, बोलो ना आप, बोलो जो मुँह से बोलोगे मैं समझ जाऊँगा, मैं उतना लिख दूंगा, बताओ कितना मानूँ, कितना मानूँ, लेट मानूँ कितना, सर आप ही बताओ कितना मानना ठीक होगा। अगर आप मुझ पे छोड़ोगे ना, मुझ पे, और जब बात रेशियो निकालने का होता ना बच्चे, तो मैं यानी कि मैथमेटिक्स कभी भी 6000, 5000, 10000 रुपये नहीं मानता हूँ। पता कितना मानता है, 1 रुपये बोलता है कि लेट मान लो टोटल जो आपका प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो आपका है, टोटल प्रॉफिट अगर वो कहता है कि आपका 1 है, मेरे बच्चे मान लो टोटल प्रॉफिट कितना है जी, 1 आपका है। तो जरा बताओ अगर 1 है आपका टोटल प्रॉफिट, तो बताइए ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, ओल्ड रेशियो इस 1 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो 1:1:1 में, मतलब इस 1 रुपये को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो समथिंग 33 पैसे समथिंग पैसे मिलेगा, यही होता है ना बच्चे आपका। अरे 1 रुपये अगर टोटल प्रॉफिट है तो इस 1 रुपये को ओल्ड रेशियो, पहले हम कैसे डिवाइड करते थे इस रेशियो में आपका, आप इसको कुछ भी मान सकते हो 5, 10, 50 कुछ भी, बट जनरली मैथमेटिक्स में 1 मांगते हैं, तो हम पूरे अकाउंटेंसी में या पूरे मैथमेटिक्स में जब भी पढ़ेंगे तो हम रेशियो 1 ही मान के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा जरा बताओ आपका अब न्यू रेशियो, न्यू रेशियो मतलब इस 1 रुपीज को अब हम कैसे डिवाइड करना चाहते हैं, तो 2:2:1 में, मेरे बच्चे ये रेशियो आपका हो गया 2:2:1 आपका, समझ रहे हो मेरी बात, हम इस रेशियो में करना चाहते हैं। अब बोलता बताओ सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो क्या होगा, एक बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपके लिए डेवलप किया है, बहुत सिंपल सा, आप उस तरीके को फॉलो करें आपको बहुत मजा आएगा। देखो मैं क्या करूंगा, मैं ना इसको अपने दिमाग में बैठाने के बाद फिर मैं आप इसके नीचे लिखना, बट मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। मैं क्या करूँगा जी, देखो मैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करता हूँ, यहाँ लिखा हमने पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स बताओ कौन कौन से पार्टनर हैं, सर ए है गैप छोड़ के फिर बी है और गैप छोड़ के सी है। जरा बताओ इन पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो मतलब प्रॉफिट को ये पहले कितना कितना डिवाइड करते थे, तो 1:1:1 आपका, यानी कि 1:1:1 का मतलब क्या हो गया 1/3 है ना बच्चे, 1/3 मतलब प्रॉफिट जितना भी होता था हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे और 3 में 1 पार्ट आपको मिलता था, 1/3 यानी कि 1/3 पार्ट आपको मिलता था एंड 1/3 पार्ट आपको मिलता था, ऐसा पहले होता था। लेकिन मेरे बच्चे न्यू रेशियो, नया जो रेशियो हम लोगों ने डिसाइड किया है, नया रेशियो वो क्या है 2:2:1, यानी कि अब प्रॉफिट को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 5 में से 2 पार्ट मतलब 2/5 आपको मिलेगा, 2/5 आपको मिलेगा और 1/5 आपको मिलेगा, यही हुआ ना आपका, बोलो ना हाँ, अरे यही हुआ ना सर हाँ सर हाँ। पहले आप इतना लिया करते थे अब आप इतना लेंगे,
पहले आप इतना, अब आप इतना लेंगे। मैं काम करता हूं, अब मैं निकालता हूं गेनिंग रेशियो, मैं निकालता हूं गेनिंग रेशियो, मतलब कौन पार्टनर कितना कितना गेन करेगा, कौन पार्टनर कितना कितना गेन करेगा। मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ जरा, मेरा वो डायग्राम देखो, मेरा मैंने मिटा दिया, उस डायग्राम में देखो कि ए को पहले कितना मिलता था 2000, ए को अब कितना मिल रहा है 2400। अभी अभी जो डायग्राम था उसमें दिखाया था मैंने, ए का अगर हम 6000 मानते हैं तो ए को कितना मिलेगा 2000, और पहले और अब कितना मिलता है 24। तो जरा बताओ ए ने गेन कितना किया था, गेन आपका 400 रुपये, 400 रुपीज का। मेरे बच्चे अगर हमें गेन को पता करना है कि गेन कितना हुआ, तो हम पार्टनर्स का क्या करेंगे, जो न्यू रेशियो है ना, न्यू रेशियो मतलब अब जो ले रहे हैं उसमें से क्या करेंगे, ओल्ड को माइनस कर देंगे। जितना अब ले रहे हो, अब जितना ले रहे हो, अगर हम मतलब आज हमें मिल रहा है 6 रुपये, पहले हमें 5 रुपये मिला करता था तो हमने 1 रुपया गेन किया, किया ना बच्चे सर। हाँ, तो अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को माइनस कर देंगे। मतलब गेनिंग रेशियो क्या होगा आपका, न्यू रेशियो माइनस आपका ओल्ड रेशियो। आप प्लीज 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 इसको रटना मत, आप दिमाग को मेरे साथ लेके चलो ना, जहां पे ए को पहले 2000 मिला करता था, अब उसको 2400 मिल रहा है, तो जरा बताओ पहले से अब ज्यादा मिल रहा है ना सर। हाँ सर हाँ, और अगर पहले से अब ज्यादा मिल रहा है तो आप गेन कर रहे हो, और अगर मुझे गेन पता करना है तो अब जो मिल रहा है उसमें से मतलब न्यू में से क्या करना होगा, ओल्ड को माइनस करना होगा। तो आओ जरा गेनिंग चेक करता हूँ कितना, आप बताओ ए का न्यू रेशियो कितना है, ये देखो 2/5, आपका रेशियो कितना है 2/5। आप मुझे बताओ ए का ओल्ड कितना है 1/3, तो माइनस किया आपने 1/3। आओ ना एलसीएम निकालने आता ना, निकालता हूँ 5/3 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया 15 आपका, तो 5/3 जा 15, 3 × 2 = 6 आपका हो गया, माइनस 3/5 जा और 5 × 1 = 5 हो गया, पढ़ा ना तीसरी चौथी क्लास में, ये आ गया 1/15 आपका, 1/15। मेरे बच्चे ए का जो गेनिंग रेशियो आ गया ना, जो उसने गेन किया है वो 1/15 आ गया, 1/15 आपका है ना, ये रेशियो निकला। पहले हमने क्या निकाला था, अमाउंट निकाला था, अब हमने क्या निकाला, रेशियो निकाला। तो पहले हमने अमाउंट निकाला था मेरे बच्चे, अब हमने रेशियो निकाला। बी का भी चेक करते हैं, बी का भी आप देखो, न्यू माइनस ओल्ड, आपका न्यू है 2/5, 2/5, और आपका ओल्ड कितना है 1/3, 1/3, तो ये हो गया नीचे में 15, ये कितना जाएगा 5 × 3, तो 3 × 2 = 6 हो गया, माइनस ये आ गया 5, सेम आ जाएगा 1/15 आपका यहाँ पे 1/15। और सी का जरा चेक करो, सी का हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है 1/5, माइनस ओल्ड कितना है 1/3, तो जरा बताओ कितना आ गया, 5/3 का आपका यहाँ पे 15 आ गया, 5 × 3, 3 × 1 = 3, माइनस 3/5 जा यानी कि 5। ओहो ये देखो इसका तो निगेटिव आ गया, 3 − 5 यानी कि −2/ आपका 15 निकल के आ गया, −2। मैं गेनिंग निकाला था मेरे बच्चे, मैं गेनिंग पता कर रहा था कि गेन मेरा कितना हुआ, तो गेन इनका हुआ है, इनका हुआ है, लेकिन इनका गेन निगेटिव है, इनका गेन निगेटिव आ गया मेरे बच्चे। गेन निकालने चला था और निगेटिव आ गया, तो हमने सेक्रीफाइस किया, नहीं हुआ। अरे मैं गेन निकाल रहा हूं, मैं गेन निकाल रहा था, और गेन निकालते समय अगर हमें निगेटिव दिख गया तो उल्टा हो गया ना, मतलब यहां पे गेन ना होके इनका क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया। अगर आप आज की क्लास में आप रट गए कुछ भी रट गए मेरे बच्चे, तो फिर कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत दर्दनाक एक हादसा बन जाएगा मेरे बच्चे। लेकिन अगर आज की बातें मेरे साथ आप ठीक से समझ गए, तो चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाएगा, बहुत सिंपल बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको पीछे में अभी हमने डायग्राम से समझाया था, डायग्राम से समझाने का मतलब था कि हमने एक अमाउंट लिया था जी, मान लो 6000 रुपये, उस 6000 में कौन कितना कितना पहले लिया करता था, अब कितना कितना लेगा, हमने उसका डिफरेंस निकाला,
और गेन या हमने सेक्रीफाइस पता किया, वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन इस बार अमाउंट लेने के बजाय हम रेशियो को लेके चल रहे हैं। जब भी रेशियो को लेके चलते हैं तो टोटल कितना मानते हैं, वन, हमने वन को तीन टुकड़ों में डिवाइड किया तो वन बाय थ्री आपको, वन बाय थ्री आपको, वन बाय थ्री आपको। अब उस वन को पाँच टुकड़े में डिवाइड किया जा रहा है और उसका टू पार्ट आप ले रहे हो तो इनका टू बाई फाइव, आपका टू बाई फाइव, वन बाई फाइव। हमने गेन निकालना शुरू किया। गेन जब भी निकालेंगे तो गारंटी है कि गेन तब होगा जब पहले से आपको ज्यादा मिल रहा होगा। अगर पहले से आपको ज्यादा मिलेगा तो आपको गेन हुआ। और हमने वही किया कि ज्यादा में से पुराने को यानी कि कम को माइनस किया, मतलब न्यू माइनस ओल्ड, आपका गेन आया, आपका गेन आया, लेकिन आपका सेक्रीफाइस आया। मजे की बात यहां पे एक और है कि मेरे बच्चे रेशियो में भी जो मैंने नोट लिखाया था ना वो बात यहां पर दिख रही है। रेशियो में भी जो हमने नोट लिखाया था वो बात आपको दिख रही है। देखो ना, वन एंड वन कितने हो गए, टू, टू बाई फिफ्टीन। ये दोनों जितना गेन कर रहे हैं उतना ही आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। मैंने कहा था ब्रह्मा जी भी अगर जमीन पे आ जाएं और कहें कि ऐसा नहीं होगा तो आप उनकी बात मत मानना मेरे बच्चे, क्योंकि ये हमेशा होगा। जितना आप गेन करोगे उतना ही दूसरा बंदा सेक्रीफाइस करेगा। ये रेशियो निकल के आ गया, ये रेशियो हमने निकाल दिया आपका। तो प्लीज़ आप कॉपी करें इसको, आप प्लीज़ कॉपी करें और आप बहुत दिमाग से शांत मन से आप मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं ये मान रहा हूँ कि आज तो कोई दुख आपके दिल में, कोई दर्द है ही नहीं। आज आप जब क्लास में यहाँ बैठे हो ना पढ़ने के लिए, तो आप अपने दिल और दिल के अंदर जो दुख या सुख है मेरे बच्चे, उसको कहीं आप बाहर तिजोरी में रख के आप आए हो और मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आज इमोशन से काम नहीं चलेगा, आज कॉन्सेप्ट से काम चलेगा। आज हम बातों को समझेंगे कैसे कैसे हो रहा है। तो मेरे बच्चे हमने कहा कि भैया आप जितना गेन करोगे, जितना गेन उतना सेक्रीफाइस करोगे, ठीक है। सर एक बात बताओ, सर बातें हमें समझ में आ गई और कसम से सर बातें समझ में आ गई, लेकिन सर एक सवाल दिमाग में उठ रहा है। पूछो ना कौन सा सवाल है, पूछो ना, मैं देखता हूँ कौन सा सवाल है। सर सवाल ये है कि आपने जो टेबल बनाया था, वो आपका जो 6000 रुपये का अमाउंट लिया था आपने और आपने डायग्राम से समझाया था, सर उसको समझने में और इसको समझने में क्या फ़र्क है? सर आपने 6000 जो अमाउंट लिया था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ज़ीरो डिफरेंस है, दोनों सेम है। वहाँ पे हमने एक अमाउंट ले लिया, हम यहाँ पे बिना अमाउंट के काम कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे हम 6000, 10000, 20000 कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ रेशियो में मेरे बच्चे हमेशा हम वन मानते हैं, वन का ही हम इस रेशियो में डिवाइड किया, वन में उसमें कह दिया। और मस्त बात ये है कि बिना वो टेबल जो हमने बनाया था ना आपको यहाँ पे, कि भैया आपका इतना फिर पांच पार्ट में डिवाइड किया था, इनका 2000 हो गया, इनका 2400 रुपये हो गया, तो आपने गेन कितना किया जी, 400 रुपये। आपने कितना गेन किया था, 400 रुपये। आपने कितना सेक्रीफाइस किया था, तो हमने कहा था सेक्रीफाइस आपका 800 रुपये था। याद कीजिए बात निकल के आई थी, आई थी ना ये बात निकल के, सर हाँ आई थी। मेरे बच्चे मैं कहता हूं कि इस अमाउंट को अगर आपको जानना है बिना अमाउंट को एज्यूम किए बगैर, तो मैं ये इस तरीके से काम करता हूं। ये हमारा निकल के आपका है कि आपने कितना यहां पे जी गेन किया, 1/5 15, 1/15 आपका ये, मतलब कि हमने यहां पे अमाउंट लिया था, यहां बिना अमाउंट के काम कर रहे हैं, बस। आई बात समझ में? सर हाँ, सर हाँ, सर कुछ और बहुत चीज़ें आज कराने को, आप लिखो तो पहले यहाँ पर, आपका लिखो तो हटा दो मैं इसको। सर हाँ जी, लो एक एग्जाम्पल ख़त्म किया, बट मुझे और भी कई सारे एग्जाम्पल कराने मेरे बच्चे। एग्जाम्पल नंबर टू लिखो, एग्जाम्पल नंबर टू, और फिर मैं आपके कॉन्सेप्ट को और आगे लेके जाऊंगा और स्ट्रोंग कर दूंगा। आज तो आप इतने स्ट्रोंग हो जाओगे कि बस दुनिया में सिर्फ आप ही आप रहोगे, बाकी तो सब खत्म है। हाँ, दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन आप ख़त्म नहीं होगे। एग्जाम्पल नंबर टू लिखो आप यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर टू। अगर आप मुझे अनुमति दो तो इस पर शॉर्ट में एग्जाम्पल लिखता हूँ। कहता है कि ओल्ड रेशियो, शॉर्ट में दे रहा हूं ताकि क्यों उतना लंबा लिखूं, ओल्ड रेशियो ए बी एंड सी का, ए बी सी का। मेरे बच्चे कहता है इस पर आपका यहां पे रेशियो 3:2:1 है, का मतलब होता है ए का रेशियो 3, बी का रेशियो 2 और सी का रेशियो आपका 1 है। मेरे बच्चे कहता है कि अब इन्होंने डिसाइड किया कि जो न्यू रेशियो ये रखेंगे अपने बीच में, न्यू रेशियो मतलब अब जो रेशियो चेंज कर रहे हैं और जो नया रेशियो होगा वो ए बी और सी के बीच का, वो कहते हैं कि भैया हम रेशियो रखेंगे 2:2:1। ये कहते हैं, या फिर मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूँ रेशियो आपका, ये कहते हैं कि अब हमारा रहेगा 1:2:3, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी।
पहले हम 3:1 में करते थे, अब हम 1:3 में करेंगे। बोलता है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो न्यू, माफ कीजिए नया तो दिया ही हुआ है, कहता है कि गेनिंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी दिमाग में सवाल मत आना जाना, बट मेरे साथ कॉन्सेप्ट सीखो आप। बोलता है बताओ क्या करेंगे, तो देखो मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, सॉल्यूशन में जब रेशियो निकालना होगा ना, तो मैंने क्या किया, यहां लिखा पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स कौन कौन से पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। आप मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर में ओल्ड रेशियो जो आपका है वो क्या है, 3:1। तो मेरे बच्चे यानी कि प्रॉफिट को 6 टुकड़ों में डिवाइड किया जा रहा है, 3 + 2 + 1, जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 6 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 6 पार्ट में, और 3 पार्ट आप लिया करते थे, तो 6 में से 3 आप, यानी कि आपका हो गया 3/6। जो बी है वो आपका 6 में से 2 लिया करता था, यानी कि 2/6, और जो सी है वो 6 में से 1 पार्ट लिया करता था, यानी कि आपका हो गया 1/6। ये आपका ओल्ड रेशियो हो गया, समझ रहे हो मेरी बात। हम पहले प्रॉफिट को 6 टुकड़ों में डिवाइड करते थे मेरे बच्चे, 6 टुकड़े हो गए है ना, ये जो तीनों को ऐड करोगे ना तो उतने आपको क्या करना होगा, टुकड़े बनाने पड़ेंगे। तो प्रॉफिट को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते थे, 3 पार्ट आप, 2 पार्ट आप, 1 पार्ट आप लिया करते थे। अब नया जो रेशियो हमारे बीच में डिसाइड हुआ है, न्यू रेशियो, वो कहता है भैया प्रॉफिट के अभी भी 6 टुकड़े होंगे, 6 टुकड़े होंगे है ना, 6 टुकड़े होंगे, और अब 6 में से 1 टुकड़ा आप, यानी कि 6 में से 1 पार्ट आप लेंगे, 6 में से आप कितना लेंगे जी, 2 पार्ट, और 6 में से आप कितना लेंगे, 3 पार्ट। ये आपका ऐसा होगा, आप आपको आपको दिख रहा होगा मेरे बच्चे, आपको ये बातें दिख रही होंगी और ठीक से समझ में भी आ रही होंगी। ये देखो आप, कि आप देखो पहले 6 में से 3 टुकड़ा आप लिया करते थे, अब कितना ले रहे हैं, 1 टुकड़ा। आप पहले 3 लेते थे, अब 1, तो 1 को तो मेरी अपनी आंखों से दिख रहा है कि लॉस होने वाला है, जहां पे 6 में से 3 रुपए हमें मिलते थे अब 1 रुपया मिलेगा, तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इनका 6 में से 2 रुपया मिलता था, अभी भी 2 रुपया मिल रहा है, तो जितना पहले मिलता था उतना ही आप ले रहे हो, इनका कोई सेक्रीफाइस गेन नहीं होने वाला, क्योंकि इनका हिस्सा मुझे दोनों में सेम दिख रहा है। हाँ, सी जो कि 6 में से 1 रुपया लिया करता था अब 3 रुपये लेगा, तो पहले आप 1 रुपया लिया करते थे अब आप 3 रुपये लेंगे, यानी कि आपको गेन होने वाला है ना बच्चे। तो मैं एक काम करता हूँ, बताओ क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, मैं पिछले एग्जाम्पल को लेके अगर चलूँ तो मैं आपके लिए गेनिंग रेशियो निकाल रहा हूँ। गेनिंग रेशियो, आप जानते हैं गेनिंग रेशियो आने का मतलब है कि नया वाला शेयर ज़्यादा होगा ओल्ड वाले से, नए में मतलब अब हमें ज़्यादा मिलेगा। आप ऐसे याद रखना कि सोचना कि यार पापा पहले हमें 5 रुपया दिया करते थे, अब हमें 6 रुपये दे रहे हैं, तो 1 रुपये का गेन हुआ। तो नया वाला जब ज़्यादा होगा तभी आप गेन करेंगे। तो गेनिंग रेशियो निकालते समय हमेशा न्यू में से आपको ओल्ड को माइनस करना है। मैं फॉर्मूला लिखा नहीं रहा, मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला डिराइव कैसे आपका हुआ है। तो न्यू माइनस ओल्ड, बताओ ए ने, ए का अब नया शेयर कितना है सर, 1/6। आप बताओ ए का ओल्ड कितना है, 3/6। तो आओ ना, 6 और 6 का आपका डिनोमिनेटर क्या हुआ, 6 आपका हो गया। अब बताओ 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 आपका 1 हो गया, माइनस 6 को, ये तो बचपन में चौथी पांचवी क्लास की बात है, खामखा इतना लंबा खींच रहा हूं, 6 को 6 से किया 1 × 3 आपका 3 हो गया मेरे बच्चे। यहां पे 1 − 3 − 2 आ गया 6 आपका। अगर मैं गेन निकाल रहा हूं और निगेटिव में आएगा तो इसका मतलब कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का मेरे बच्चे नया रेशियो न्यू माइनस ओल्ड लेना है, 2/6 आपका यहां पे है, और पहले भी आपका 2/6 होता था, तो देखो ना 6/6 यानी कि 6 रहा, 2 − 2 आपका 0 हो गया, 0/6 इनका, इसका मतलब हुआ नो गेन, ना तो ये कोई गेन कर रहे हैं और नो सेक्रीफाइस, ये नहीं कोई सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे, ना इनका गेन हो रहा ना सेक्रीफाइस हो रहा है। अब सी का देख लेते हैं, सी का जो न्यू रेशियो आपका है 3/6 आपका है, और देखो इनका ओल्ड कितना है जी, 1/6 आपका है, तो मेरे बच्चे 6 नीचे आ गया, ये 6 × 6 1 आपका हुआ, सॉरी 1 × 3 3 हो गया, माइनस आपका 1 यानी कि 2/6 निकल के, 2/6 निकल के आ गया। तो गेन निकाल रहा हूँ और पॉजिटिव, यानी कि ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है आपका, ये इनका गेनिंग निकल के आया।
ये गेन कर रहा है मेरे बच्चे, ये गेन कर रहा है। तो आप देखो ना, यहाँ पे ए का सेक्रीफाइस है और बी का गेन है, इनका कुछ भी नहीं है। मजे की बात है कि जितना आप गेन कर रहे हो 2/6, उतना ही आप सेक्रीफाइस कर रहे हो 2/6, ये हमेशा इक्वल आएगा, ये हमेशा इक्वल आएगा मेरे बच्चे। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, आप अकाउंट्स पढ़ो या ना पढ़ो, अपने घर में देखो तो भी ये बात होंगी, ये हमेशा होगा, हमेशा होगा। तो आप प्लीज इसकी कॉपी कर लें आप। सर ठीक है, सर ठीक है। सर एग्जाम में जरा बताओ कि क्या ये जो लिख रहे हो आपका सेक्रीफाइस ये और ये क्या एग्जाम में लिखना है? नहीं बच्चे, नहीं लिखना। जब आपने गेनिंग यहाँ लिख दिया ना, तो पॉजिटिव में जो आएगा वो गेन है, जो निगेटिव में आएगा वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पर लिखोगे उसका उल्टा वाला सेक्रीफाइस हो जाएगा, बाकी आपका ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दिमाग में सवाल मत आने दो, मैं जानता हूँ क्या आ रहा है, बट आगे की बात है, आगे की बात है। आप यहाँ पर कॉपी कर लो। सर हो गया, हो गया सर, और बताओ। आओ ना, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल कराता हूँ। मुझे आज बहुत मन कर रहा है एग्जाम्पल कराने का, आज पता नहीं क्यों मुझे आपके बुक को देखने का मन ही नहीं कर रहा है, मन कर रहा बस एग्जाम्पल कराया जाओ, एग्जाम्पल कराया जाओ, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाऊँ और बात यहाँ पे मस्त तरीके से होते जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखेंगे आप यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर थ्री कहता है कि इस पर पार्टनर्स जो आपके हैं, पार्टनर्स वो आपका एक्स वाई एंड जेड है, या फिर मैं चार पार्टनर ले लूँ क्या, मजा आ जाएगा आपको। लो इनको हटाओ, जब चार पार्टनर की बात आएगी तो हमें ए बी सी डी ही लेना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि अगर मैं एक्स वाई जेड लूंगा तो एक्स वाई जेड के बाद चौथा, तो फिर ए बी सी डी को ही किसी को लेना होगा ना, तो फिर क्यों मैं उल्टे सीधे नाम लूँ, लिख दो ए बी सी डी, जो होगा देख लेंगे आपका। अब जरा आ जाओ यहाँ पे ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कहता है कि इनके बीच का जो ओल्ड रेशियो था वो इक्वली था, इक्वली था। आप इस बात को समझ लेना कि अगर एक रुपए के प्रॉफिट को या किसी प्रॉफिट को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 चार पार्ट में डिवाइड करो, उसका एक पार्ट आपको, दूसरा पार्ट आपको, तीसरा पार्ट आपको, चौथा पार्ट आपको, ये ओल्ड रेशियो हो गया। अब कहता है कि जो न्यू रेशियो इन लोगों ने डिसाइड किया है, न्यू रेशियो जो डिसाइड किया है वो कहता है रेशियो आपका, मैं थोड़ा गंदा गंदा रेशियो लूंगा, चलो 3:2:4:1 आपका, ये कहते हैं कि अब हमारा रेशियो इस तरीके से आपका होगा। तो बोलता है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, यहां पे कहता है गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। अपना एक काम करना, आप ना इसको अंडरलाइन कर लो, आप गेनिंग रेशियो को आप इसको अंडरलाइन कर लो। सर क्यों, ऐसे ही कुछ नया नहीं है, मन किया लाल से लिखने का। एक्चुअली मुझे खून का रंग बहुत प्यारा, मतलब प्यारा लगता है बच्चे, लाल रंग। जब मैं लाल रंग को देखता हूं तो मेरे बॉडी के अंदर में पता नहीं कौन कौन सी शक्ति आ जाती है, खून खून खोलता भी है, खून पीने का ही मन करता है, मुझे बहुत मजा आता है लाल रंग देख के, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। आप छोड़ो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बातों मत आना, मैं आपको शब्दों में फंसाऊंगा, लेकिन फंसना नहीं मेरे बच्चे। इस पर कहता है कि गेनिंग निकालो। पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, गेनिंग और एंड सेक्रीफाइसिंग लिखा था ना हमने, सर हाँ, इस पर गेनिंग कर दिया। सर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, आप लिखो ना सोल्यूशन, यहाँ पे ऐसे बेवकूफ बना रहा हूँ। आप लिखो पार्टनर्स, नाम बताइए ए बी सी एंड डी, चार पार्टनर्स हैं। मुझे बताओ इनका ओल्ड रेशियो जो है वो पहले से क्या है आपका, सर इक्वली, यानी कि प्रॉफिट को हम चार पार्ट में डिवाइड करते थे, उसका एक पार्ट आपको, इनका भी 1/4, इनका भी 1/4, इनका भी आपका 1/4 मेरे बच्चे। अब न्यू रेशियो जो आपका है, नया जो हम लोगों ने डिसाइड किया है वो क्या जी, आपका 3:2:4:1, जरा चेक करना, 3+2+4:1 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि अब जो एक रुपये यानी कि टोटल जो प्रॉफिट होगा उसको 10 टुकड़ों में डिवाइड करूंगा, 10 टुकड़ों में, और 10 में से 3 टुकड़ा आपका होगा, यानी कि 3/10। इसका मतलब होता है प्रॉफिट 10 टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, उसका 3 पार्ट आपको मिलेगा। इनको मिला कितना जी, 2/10, इनको कितना मिला, 4/10, और इनको कितना मिला, 1/10 आपका। ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। क्या बोल रहा निकालने को, गेनिंग रेशियो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। और आप जानते हैं गेनिंग यानी कि न्यू माइनस ओल्ड होगा, क्योंकि गेन आपको तभी होगा जब नया आपका ज़्यादा होगा ओल्ड वाले से।
तो न्यू माइनस ओल्ड हमारा हो गया गेनिंग रेशियो. सिर्फ फॉर्मूला लिखा दो ना मेरे बच्चे, सब लिखाऊंगा बाद में, कसम खाता हूं, बट मेरी बात तो पहले सुन लो, पहले समझ लो ना, दूसरे बच्चों से अलग बनो ना, आपका अकाउंट मस्त बनने वाला है. आप देखो मैं क्या बता रहा हूं, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है जी आपका 3/10, माइनस ये कितना है 1/4. चलो बताओ 10/4 का क्या निकल गया आपका यहां पे, 10/4 का ये आ जाएगा आपका 20. पता ना, ये कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूँ. ये क्या होता है कॉमन फैक्टर, मतलब वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं आपका एलसीएम, जिसमें इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा. ये चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा होगा एलसीएम निकालना, ये ना पूछना, लेकिन चिंता ना, अगर इसको भी निकालने में दिक्कत आती है तो मुझे एक बार फ़ोन कर देना, कम से कम एक मैसेज कर देना कि सर ये एलसीएम कैसे निकलता है, मेरे पास एक वीडियो मैं आपको भेज दूंगा. ऐसे सिंपल सी बात, 10 and 4, मतलब हम लोग एक ऐसा यहाँ पे फिगर ढूंढते हैं जिस फिगर में दोनों से डिवाइड हो जाए. अगर मैं यहाँ पे 10 लेता तो 10 में इससे डिवाइड हो जाएगा बच्चे, इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा. अगर मैं 15 लेता तो ना इससे डिवाइड हो पाएगा ना इससे डिवाइड होगा. तो हमने क्या लिया 20, क्योंकि 20 इसके भी टेबल में आता है और इसके भी टेबल में आता है, ठीक है ना, 20 आपका हो गया. अब 10 को 20 से डिवाइड करो, बताओ सॉरी 20 को 10 से डिवाइड करो, 2 आ गया. इसको इससे डिवाइड किया तो 2, तो 2 into 3 कितना हो गया 6 आपका हो गया, है ना, यही काम करते थे ना. 4 को 20 से डिवाइड करो 5, माफ कीजिए 20 को 4 से डिवाइड करो 5 हो गया, और जितना भी आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो 5 into 1 5 हो गया. तो 6 minus 5 ये कितना आ गया आपका 1/20. इनका पॉजिटिव आ रहा बच्चे, पॉजिटिव आने का मतलब कि ए ने यहाँ पे गेन किया है. बी का चेक करते हैं, बी का नया 2/10 है और इनका ओल्ड है आपका 1/4 यहां पे. तो 10/4 का भी आपका 20 ही आ जाएगा, 20 आ जाएगा. 10 को 20 से डिवाइड करना, ओ क्या उल्टा बोल रहा हूं, 20 को 10 से डिवाइड करना 2 आया, 2 into 2 यानी कि 4 हो गया. माइनस 4 को सॉरी 20 को 4 से डिवाइड करना 5 हो गया, और 5 into 1 आपका 5 आ गया. ओहो ये देखो, ये आपका -1/20 आ गया, -1/20, मतलब मेरे बच्चे बी यहाँ पे गेन नहीं कर रहा है, बी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है. अगर हम गेन निकालते हैं और निगेटिव आया इसका मतलब क्या, हमने सेक्रीफाइस किया. सी का चेक करते हैं, सी ने क्या किया, तो आपका नया 4/10 है और आपका ओल्ड 1/4 है. तो चलो बताओ कितना नीचे में आ गया, 10/4 में 20 आ जाएगा, 20 ये 20 आ गया. अब देखो आपका 20 को 10 से डिवाइड करना 2, 2 into 4 8 हो गया. माइनस 20 को 4 से डिवाइड करना 5 हो गया, 5 into 1 5 हो गया. तो कितना आ गया 3/20, इन्होंने भी गेन किया है. डी का चेक कर लेते हैं, नया इनका 1/10 है, ओल्ड इनका 1/4 था मेरे बच्चे. तो आप देखो यहाँ पे एलसीएम 20 आ गया, 20 को 10 से डिवाइड करना 2 into 1 2 आ गया, 20 को 4 से डिवाइड करना 5 into 1 5 आ गया, ये आ गया -3/20, -3/20. आप दुनिया को समझा सकते हो कि भैया हम गेनिंग निकाल रहे हैं और पॉजिटिव यानी कि इन्होंने गेन किया है, और ये जो सी है इन्होंने भी गेन किया है, लेकिन मेरे बच्चे बी ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है, बी ने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है और यहाँ पे डी ने भी सेक्रीफाइस किया है. एग्ज़ाम में ये जो लिख रहा हूँ ब्लू से नहीं लिखना, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. और आओ ना एक बार चेक करते हैं कि क्या इन दोनों का जो गेन है, इनका गेन और इनका गेन, जरा ऐड करना इन दोनों का गेन कितना हो गया. तो सर 1/20 और प्लस इनका कितना है 3/20, कितना हो गया जी नीचे में 20, 1 plus 3 4, 4/20, ये आपका टोटल गेन हो गया, सारे पार्टनर्स का टोटल गेन आपका. तो आप जरा चेक करते हैं कि टोटल फिर दूसरे पार्टनर्स का सेक्रीफाइस कितना है. मैं गारंटी दे सकता हूं इतना ही निकल के आएगा, क्योंकि जितना आप गेन करोगे दूसरे पार्टनर को उतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी तो आपको मिलेगा. आप देखो इनका सेक्रीफाइस 1/20 आपका, और जरा इनका सेक्रीफाइस चेक करना 3/20, तो टोटल कितना हो गया यहां देखो 4/20. जितना आपने गेन किया उतना हमने सेक्रीफाइस किया, आपका माइनस में तो ये माइनस आपका हो गया, तो ये आपका वही चीज निकल गई, बात खत्म हो गई. मतलब आपको आपको ये कैसे परेशान करेगा, कैसे परेशान करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता. वो बातें मैंने आपको समझा दी, आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं,
आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं। हाँ सर, हाँ आप सर और कुछ कराओगे? एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल वन और फिर बात बन जाएगा। और एक काम करोगे क्या, जहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हुआ ना, लिख लो वहाँ पे नोट। हमेशा रिवीजन में आपको हेल्प करने कर, बच्चे आपका रिवीजन में हेल्प करेगा। अगर कोई पूछता है कि जरा बताओ गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो हमने देखा न्यू रेशियो, जो हमारा न्यू रेशियो है उसमें से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दो तो पार्टनर्स का निकल के आ जाएगा गेनिंग रेशियो। अब इस बात को समझने के लिए हम रात भर रटते हैं, गेनिंग मतलब न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू। अरे क्या रटना यार, पापा ने पहले कल हमें 5 रुपया दिया था, आज हमें 6 रुपया दे दिया, तो आज हमने गेन कर लिया। आज मतलब क्या, नया वाला ज़्यादा मिलेगा तो हम गेन कर जाएंगे, कम मिलेगा तो हम सेक्रीफाइस कर जाएंगे। अरे कम मिल जाएगा तो सेक्रीफाइस हो जाएगा, ज़्यादा मिलेगा तो गेन हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात इसके अंदर है। आओ ना एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, और फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, सर इस बार कितने पार्टनर होंगे? 8 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे? नहीं बच्चे, इतने पार्टनर्स की अब रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी आपको समझाने के लिए। मैं आपको बोलो तो 2 पार्टनर में समझा दूँ या 3 पार्टनर में, आप बताओ। अगर आप 2 भाई बहन हो तो 2 में समझा देता हूँ, 3 हो तो मैं 3 में समझा देता हूँ, बोलो क्या चाहते हो? सर 3 में ही समझा दो सर, अच्छा लगता है। चलो लिखो फिर आपका। कहते हैं कि ओल्ड रेशियो आपका ए बी एंड सी का, इस पर कहता है आपका 1:2:2। रुक जाओ, नहीं मैं देता हूँ नया रेशियो आपका, 4:5:2, नहीं पहले सोच लो सर, सोच लिया, 1:4:5, लो ये दे दिया मैंने आपका, पहले आपका ये था, पहले आपका था ये। रुको जरा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। ठीक है, सोच लिया, रेशियो कर दो 5:4:1। सोच रहा हूँ ना बच्चे, इसलिए बाबा लिखना पड़ रहा, लिख लो आप यहाँ पर ओल्ड रेशियो था। अब ये डिसाइड करते हैं कि जो इनके बीच का न्यू रेशियो होगा आज के बाद फ्यूचर में ए बी एंड सी का, वो कहते हैं कि आपका यहाँ पे अब जो रेशियो होगा वो होगा आपका 2:5:3। चलो ये हमारा ओल्ड था, अब ये न्यू। कहता है कि कैलकुलेट, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ इस बार, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और एक काम करना, वो लाल रंग जो बहुत प्यारा होता है आप उसे अंडरलाइन कर लो यहाँ पे। आप सर हम भी लाल से करें, किसी से कर सकते हो, मुझे लाल अच्छा लगता है, खून का प्यासा मैं हूँ, आप थोड़े ही हो, आप तो बहुत संत हो, आपने तो आज तक कोई पाप किया ही नहीं है, आप तो बस महारथी हो। चलो कोई बात नहीं, आप लिख लो यहाँ पे ओल्ड रेशियो 5:4:1, न्यू रेशियो आपको कहता है 2:5:3, बोलता है कि बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। मेरे बच्चे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पूछा था गेनिंग, इस पर सेक्रीफाइसिंग। सॉल्यूशन पे आप आइए, सॉल्यूशन में एक काम करो, पार्टनर्स के नाम को लिखो यहाँ पे, क्या क्या नाम है, ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो जो आपका है सर, बुक में सॉल्यूशन कुछ और तरीके से, अरे यही है वो लंबा खींचते हैं हम लोग, शॉर्ट में आराम से समझ रहे हैं, आप ऐसे एग्जाम करें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओल्ड रेशियो क्या हो गया, 5:10, 4:10 और यहाँ पे 1:10। न्यू रेशियो अब जो फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया है नया, वो ये कितना हो गया 10, यानी कि 2:10, इनका हो गया 5:10 और इनका हो गया 3:10। ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा कि भैया इस बार आप निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो मेरे बच्चे हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही लिखना पड़ेगा। अगर वो कहता कि निकालो गेनिंग रेशियो तो हमें यहाँ पे गेनिंग लिखना पड़ेगा, अगर कहता निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग लिखना पड़ेगा, अगर वो कहता कि निकालो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग, पहले हमें समझना होगा कि हमारा सेक्रीफाइस कब होगा,
पहले हमें समझना होगा सेक्रीफाइस कब होगा। आप सुनो फॉर्मूला खुद बनाएंगे आप, रटेंगे नहीं। मुझे बताओ मेरे पापा कल मुझे 10 रुपये दिए थे, कल मुझे 10 दिए थे और आज जो है आज उन्होंने मुझे 7 रुपये दिया। कल मुझे 10, आज मुझे 7 दिया। बताओ जरा कि मैंने मुझे गेन हुआ कि सेक्रीफाइस हुआ, मैंने गेन किया कि सेक्रीफाइस किया, जरा बताओ। पहले पहले का मतलब क्या हो गया जी, ओल्ड। अब का मतलब क्या हो गया, न्यू। तो पहले मुझे 10 रुपये था, अब 7 रुपये हुआ। जरा बताओ मैं गेन कर रहा हूं कि सेक्रीफाइस कर रहा हूं। सर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप छोड़ रहे हो। सर कितना छोड़ रहे, 3 रुपये। मेरे बच्चे आप बताओ ये 3 रुपये कैसे निकल के आया। अगर आपको सेक्रीफाइस निकालना है ना सेक्रीफाइस, तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई रेशियो निकालते हैं हम, जब कोई रेशियो निकालते हैं तो जो बड़ा होता है हम उसमें से छोटे को माइनस करते हैं। मेरे बच्चे इस बार अगर सेक्रीफाइस पता करना है ना, तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करना पड़ेगा। इसको हम याद कैसे रखेंगे, हाँ सेक्रीफाइस तब होगा जब कल हमें कम मिला था, आज हमें ज़्यादा मिलेगा तो सेक्रीफाइस होगा। यानी कि हमेशा किसी चीज़ को निकालते समय बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। तो बड़ा यहाँ पे क्या है जी, ओल्ड है, छोटा क्या न्यू है, तो ओल्ड माइनस न्यू आपका हो गया। इसका मतलब मेरे बच्चे कि आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब मैं छोटा बच्चा था आपके जैसा दिखता था, तो उस टाइम पे मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बताओ जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड। तो हमने सोचा सेक्रीफाइस ये तब होगा जब मुझे पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिल रहा है। सेक्रीफाइस तब होगा जब पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिल रहा है। तो जब भी कोई अमाउंट आपको निकालना है, कोई अमाउंट निकालना है पॉजिटिव में, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस तब होगा जब ओल्ड बड़ा था और न्यू छोटा है, ओल्ड माइनस न्यू हमने यहां पर लिखा आपका। आओ ना ओल्ड माइनस न्यू, जरा बताओ ओल्ड कितना है, 5/10, ये लिखा हमने 5/10। माइनस न्यू कितना है, 2/10। तो आओ देखते हैं जी, 10 का आपका 10 ही हो गया, क्योंकि 10 में दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड किया, 1 इंटू 5 हो गया। माइनस से कितना आ गया, 2, ये आ गया 3/10। मेरे बच्चे यहां देखो आपका ओल्ड माइनस न्यू 4/10 माइनस 5/10, ये आ गया 10। नीचे में 10 को 10 से 1 इंटू 4 और यहां पे माइनस 5, यहां पे माइनस 1/10 निकल के आ गया, माइनस 1/10। और इनका चेक करो, ओल्ड आपका 1/10 है, माइनस इनका 3/10 है। तो मेरे बच्चे यहां पे 10 आपका नीचे आ गया, तो यहां पे 1 - 3 यानी कि माइनस 2/10 आ गया, माइनस 2/10। अब मेरी बात सुनो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहुत समझदार बच्चों, आपसे समझदार इस दुनिया में अगर मैं दिया दीपक लेकर ढूंढू ना तो भी मुझे नहीं मिलेगा। अगर मैं इस ब्रह्मांड से बाहर चले जाऊं किसी दूसरे दुनिया में, मंगल ग्रह में, चाहे कहीं और, वहां भी आपके जैसा इंसान मुझे नहीं मिलेगा। आप इतने समझदार हैं, बात मानो, मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं। आप मुझे बताओ इस पर कौन सा रेशियो निकाल रहे हो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मेरे बच्चे जिसका नाम आपने यहां पे लिखा है अगर पॉजिटिव में आएगा तो वो आपका वही निकल के आ रहा है। मतलब आपने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, आपने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। लेकिन मेरे बच्चे बी और सी इनका देखो नेगेटिव आ रहा है, तो जो रेशियो आप निकाल रहे हो अगर उसके अपोजिट, अगर उसके विपरीत आंसर आएगा तो आप यहां क्या करोगे, गेन कहोगे। ये गेन कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, सेक्रीफाइस का पढ़ा ना बचपन में, आपका उसका रिवर्स क्या होता है, वो कहते हैं भैया आपका पापा तो मम्मा, चाचा तो चाची, वो दोस्त तो दुश्मन, उल्टा। तो जो चीज आप निकाल रहे हो वो अगर आया तो वो तो सीधा कहा जाएगा, मतलब जो निकाल लो वही, अगर अपोजिट तो उसका उल्टा आ गया। जब मैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकाला करता था तो गेनिंग रेशियो में होता क्या था, जो पॉजिटिव आता था उसको गेन कहता था, निगेटिव को सेक्रीफाइस कहता था। उसी तरीके से अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो जो पॉजिटिव आएगा वो सेक्रीफाइस होगा और जो निगेटिव आएगा वो गेन होगा। आई बात समझ में, सर हाँ सर हाँ। और हाँ अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक नोट बना सकते हैं और आपके लिए, कि अगर कोई पूछे बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कोई पूछे बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आपका होगा, तो बताओ सेक्रीफाइस। मत देखो यहाँ पे, मत देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने ओल्ड माइनस न्यू लिखा है, बट मत देखो इसको, मत देखो। आप मुझे बताओ
अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सेक्रीफाइस कब होगा? जब पहले मैं ज़्यादा लिया करता था, अब मुझे कम मिल रहा है। पहले ज़्यादा, ओल्ड बड़ा है, तो रेशियो क्या बन जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं इस पर अभी, आप चिंता ना करो, मैं इस पर खेल खेलना सिखाऊंगा। ये कि आप खेलना खेलना इस पर शुरू करेंगे, आपको पढ़ना भी नहीं होगा, आप खेलना शुरू करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हुआ जी, ओल्ड माइनस न्यू, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आ गया। आप जरा चेक करो, मत लिखना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। मैंने गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बनाया था? गेनिंग का याद करो, रुको, गेनिंग रेशियो मतलब गेन तब होगा जब नया वाला ज़्यादा होगा ओल्ड वाले से। गेन तब करते हैं मेरे बच्चे जब कल से ज़्यादा मुझे आज मिलता, आज ज़्यादा, आज यानी कि न्यू, तो यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड था, न्यू माइनस ओल्ड। तो देखो फॉर्मूला रिवर्स हो गया, यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू है, यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड है, लेकिन फॉर्मूला रिवर्स हो गया। हम ऐसे इस बात को नहीं समझेंगे। हम कैसे समझेंगे कि अगर वो कहता है कि आपका गेनिंग है या सेक्रीफाइसिंग है, तो हम कॉन्सेप्चुअली इस बात को समझेंगे। अगर पहले से हमें अब ज़्यादा मिलता है, पहले से हमें ज़्यादा मिलता है तो गेन किया, और पहले से अगर कम मिलता है तो हमने सेक्रीफाइस किया। ठीक है सर, सर ये टॉपिक ख़त्म हो गया? ना मेरे बच्चे, ना, मैं इस टॉपिक को अभी तो ख़त्म कर ही नहीं रहा, मैं तो इस टॉपिक के अंदर में आपकी मास्टरी अभी करा रहा हूँ। मैं आपकी मास्टरी करा रहा हूँ। बस आप इसको लिख दो, चार एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं, चार एग्जाम्पल। मुझे मन कर रहा है एक एग्जाम्पल और करा दूँ मैं आपको, और फिर मस्त तरीके से इस टॉपिक को मैं एंड करूं। एक एग्जाम्पल तो मुझे और कराना ही है मेरे बच्चे। आओ ना, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्या निकल के आएगा। लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 5, पांचवा एग्जाम्पल। आपको अगर लगता है कि हौचपच हो रहा, जो नहीं लगेगा कभी भी आपको, अगर लगता है तो एक काम करो, आप दिमाग को शांत कर लो थोड़ा सा, आप आंखें बंद कर लो, और आंखें बंद करने के बाद मतलब आप समझो कि कोई नहीं है आपके सामने, कोई नहीं है, सिर्फ आपके सर खड़े हैं, मैं संतोष सर, है ना, मैं आप देख रहे हो, आपको मैं, आप किसी को बताना नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ, आप किसी को नहीं बताना बच्चे। मैं पिछले जन्म में ब्रह्मा जी था। आप हंसो नहीं, आप सोचो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं, मैं ब्रह्मा जी था, इस जन्म में आया हूँ आपको मैं अकाउंट्स में आगे आपको ले जाने के लिए। मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है मेरे बच्चे। जैसे हमारे पहले के जो भगवान सब थे, वो नए नए जन्म लेते थे ना, कृष्ण भगवान बने थे वो किसको मारने के लिए, जो भूल गया मैं, वो कंस को मारने के लिए, महाभारत कौरवों को मारने के लिए, राम जी का जन्म हुआ था वो रावण को मारने के लिए। उसी तरीके से मैंने जन्म लिया है इस बार ब्रह्मा जी जो था मैं पिछले जन्म में, आपको अकाउंट्स में उत्थान कराने के लिए। तो आप बस आओ, आप सुनो मेरी बात, आप हंसो नहीं। आपको लगता है कि सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं कभी मजाक नहीं करता, कभी मजाक नहीं करता, आज तक कभी मैंने मजाक नहीं किया लाइफ में, कभी नहीं किया। चलो मैं पांचवा एग्जांपल कराता हूँ, छोड़ो मैं आपसे क्या बात करूँ, आप मेरी बात नहीं समझेंगे। कहता कि पार्टनर्स जो है ना, इस बार लो राम है, श्याम है, एंड तीसरा कहता है कि मोहन है। मेरे बच्चे, इनका जो ओल्ड रेशियो पहले से है, ओल्ड रेशियो, वो आपका कहता है कि आपका 2:2:1 है, 2:2:1 आपका, ठीक है ना, कहता है इस बार आपका, कहता है इस बार वो कि कैलकुलेट क्या लिखूं, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इफ दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। कहते हैं भैया अब वो फ्यूचर में इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, तो बताओ यहाँ देखो क्या लिख रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मेरे बच्चे इसी के मुताबिक चलेंगे, आओ ना सॉल्यूशन में, हम यहाँ पे पार्टनर्स के नाम को लिखें। पार्टनर्स क्या क्या नाम है, इस बार राम है, इस बार श्याम है, और इस बार कहता है तीसरा पार्टनर्स मोहन है, तीन पार्टनर्स आपके। जरा बताओ ओल्ड रेशियो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, ओल्ड रेशियो 2:5, यहाँ पे 2:5 और यहाँ पे 1:5,
ये आपका ओल्ड रेशियो आपका हो गया। मुझे बताओ जरा न्यू रेशियो क्वेश्चन में क्या बता रहा है आपको, नया रेशियो क्या बता रहा है? सर नया रेशियो आपका कहता है इक्वली हो गया, तीन पार्टनर हैं यानी कि 1/3, 1/3 एंड 1/3 आपका। तो हमें निकालना क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो बोलेगा हम उसी का नाम यहाँ लिखेंगे, उल्टा वाला जो आएगा उसके अपोजिट में आ जाएगा। बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग पहले सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या, सेक्रीफाइसिंग मतलब पहले हमें ज़्यादा मिलता था, अब हमें कम मिलता है, तभी तो सेक्रीफाइस किया। तो पहले ज़्यादा मिलता था, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना रेशियो निकालने के लिए, पहले ज़्यादा मिलता था यानी कि ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड हमारा बड़ा होगा जी और न्यू हमारा छोटा होगा, ओल्ड माइनस न्यू। मेरे बच्चे राम का ओल्ड है 2/5 और न्यू है 1/3, तो जरा बताओ इनका कितना, इनका 2/5 और माइनस इनका भी 1/3 और इनका देखो 1/5 और माइनस आपका 1/3। तो आओ ना देखते हैं क्या निकल के आएगा, 5/3 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो आपका 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 में इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। नाउ 15 को 5 से डिवाइड करो, 3, 3 × 2, 6 माइनस 5 × 1, 5 आपका, ये आ गया 1/15। पॉजिटिव आया ना, ये ध्यान देना पॉजिटिव आ रहा आपका, 6 − 5 = 1। यहाँ पर 2/5 माइनस 1/3, ये 15 आ गया, तो 3 × 2, 6 आ गया और यहाँ पे 5 यानी कि यहाँ भी आ गया 1/15। तो यहाँ पे देखते हैं जी ओल्ड माइनस न्यू आपका 1/3 और लिखा तो है हमने, दोबारा क्यों लिखे, ये 5/3 का, ओहो यहाँ भी दोबारा कर दिया, ये लिखा था हमने यहाँ पे, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यही चला गया। ये देखो 5/3, यहाँ पे भी 15 आ गया और 5 × 3 = 3 माइनस 3 × 5 = 5 आपका, ये आ गया मेरे बच्चे माइनस 2/15। तो क्योंकि सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, ये आ गया सेक्रीफाइस इनका, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है, लेकिन आपने यहाँ पे गेन किया है और हमने बिल्कुल सही काम किया है। इस बात को चेक करने के लिए इन दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड करो, 1/15, 1/15, 2/15 जो इसके गेन के बराबर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन खत्म आपका हो गया, तो आप इसको प्लीज कॉपी कर लो यहाँ तक आपका, फिर मैं इसके आगे आपको लेके चलता हूँ। मुझे इसके आगे चलना था, मुझे इसके आगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आगे टॉपिक पे गया ना तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न से हटके मैं बात करूँगा। तो मेरे बच्चे आज की क्लास को फिर मैं यहीं रोकता हूँ, अभी मेरे बुक से किसी क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना। आप अगर बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो कृपया करके इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का आप पूरा रिविजन करके अगली क्लास में बैठेंगे, जब इसका रिविजन करके बैठेंगे सारी बातें प्रॉपर तरीके से आपकी एंड होंगी, कॉन्सेप्ट वाइज आपका। रटना हमारा काम नहीं है, ना मैंने आज तक कभी रटा है, ना कभी आपको रटाऊंगा, आपको बातें समझाऊंगा फूल की तरह, आप फूल हैं, फूल की तरह समझाएंगे, सारी बातें समझ में आएंगी। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे बच्चे, तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।